जिससे बचा जा सकता है बचना चाहिए या फौरी तौर पर भी उसका असर उसके फिजिकल जो बॉडी है उस पर भी होता है और वो मेंटली और साइकोलॉजिकली भी उससे अफेक्ट होता है सो फोर प्री रिक्वेड टू कॉन्स्टिट्यूट अब देखें जो चाइल्ड एब्यूज है उसमें जो क्राइम करने वाला है या जो अब्यूज़ करने वाला है चार बातें उसको पहले से पता होती ये जहन में रखिए एक तो इंटेंशन टू कमिट उसकी नीयत बनती है कि मैंने एक गलत काम है तो ये करना है फिर ये कि वो ही नोज द इंजरी विच विल हैपन टू द चाइल्ड उसे पता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ इससे बच्चे को कितना नुकसान या इंजरी कितना जख्म लग सकता है कितना वो उसको मैं परेशान कर सकता हूँ हैव अप्रोच टू द चाइल्ड टू कमिट द सेक्शुअल एक्टिविटी अब ये कि उसकी एक्सेस और अप्रोच भी होगी फिर अगले में वो सोचेगा इसको ग्रैप कैसे करना है कैसे जो है वो मैं इसको अब्यूज़ कर सकता हूँ किस तरह से इसको मार पीट सकता हूँ अब्यूजेड मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द चाइल्ड और अगली बात उसको ये पता है कि मुझे इसको काबू में लाना है मतलब ये चार बातें जितनी हमारे क्राइम करने वाले को पता है उतनी चारों बातें हमें बच्चों को बचाने वालों को भी पता होनी चाहिए कि हम कैसे उनको उनकी इंटेंट से बचाएं कैसे उनको करीब आने से बचाएं कैसे बच्चे को इंजरी से बचाएं और इसी तरह से ये सारे एक्शन हमारे लिए नीडेड हैं तो सी एस एज़ अ सिग्निफिकेंट नगेटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रेंस स्कूल परफॉर्मेंस खुदा न खास्ता बच्चों के साथ कोई मामला हो गया है और किसी को उसका पता नहीं चला तो जो हमारे हैं, वो आसानी से उसका पता लगा आ सकते कैसे वो तो डर गया है वो हरासा है वो जख्मी है सौ है उसके। उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा वो हर बंदे से डरेगा उसको फोबिया टाइप उसको कई मसाइल हो सकते हैं उसकी फौरी तौर पर उसके बिहेवियर में चेंजेस आएगी वो नॉर्मल नहीं रह सकेगा फिर इसी तरह सोशल स्किल्स वो किसी के करीब ही नहीं जाएगा पेरेंट्स से भी वो जान यानी जान बचाएगा अपनी हर किसी से उसको खौफ होगा कि भाई मेरे साथ कुछ भी हो सकता है तो उसकी ज़िंदगी एक बड़ी बहुत बड़ी चेंज के अंदर आ जाती है एकदम से तब्दील हो जाती है और फिर वो अटेंडेंस भी उसकी नॉर्मल नहीं रहती ये वो चीज़ें हैं जो बजहिर दिख रही हैं लेकिन जब हम करीब से इसका मताल करेंगे तो हम हैरान होते हैं कि पहली बात तो ये है कि फ़ौरी तौर पर कोई भी फिज़िकल एब्यूज़ जो है वो बच्चे को इतना ज़्यादा यानी वो ट्रॉमा में ला सकता है कि वो बेहोश हो जाए या उसकी डेथ वाक्य हो जाए या वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी हो जाए तो एक और दूसरी बात यह है कि अगर वो उस ट्रामा में से निकलता है तो उसको फिर मुसलसल साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है उसको पेरेंट्स की सम, सपोर्ट की ज़रूरत है उसको ज़रूरत इस बात की है कि इदारे उसका साथ दें फौरी तौर पर जो कल्प्रिट है जो क्रिमिनल है उसको काबू में लाया जाए और उसके बाद ये कि उनको आस्ता आस्ता कन्विंस किया जाए कि उसमें उसकी गलती नहीं है लेकिन उसको बचाव की तरकीबें बतानी चाहिए उसको मज़ीद कोई ऐसा मसला होता है तो उससे उसको आगाही देनी पड़ेगी और फिर उसका साथ देना होगा इदारों को भी वालदेन को भी और इस को भी ताकि अगर कोई ऐसा मसला हो गया है खुदा न खास्ता ये एक एक्सट्रीम केस है कि जब ये वाक़ हो जाए तो फिर बच्चों को किस तरह से आम जिंदगी में लाना है मेन स्ट्रीम में दोबारा वापस तो ऐसा है कि ये सारी चीज़ें चूँकि हमारी नज़र में हैं तो एक तो बच्चा तन्हाई में आए नहीं दूसरा ऐसे लोग उसकी एक्सेस ना हो जो बिल्कुल अजनबी हैं और उन उनसे आज तक उसकी कोई मुलाकात नहीं हो तो उससे उसको, उसको यानी एक कॉन्टेक्ट करने में पहले से उसको समझाना चाहिए कि वो उससे कॉन्टेक्ट नहीं करेगा उसके करीब नहीं जाएगा जैसे हमने अर्ज़ किया कि बहुत सी अवेयरनेस सेक्शुअल अब्यूज़ में गुड टच और बैड टच से शुरू होती है अगर आप यही बता दें बच्चों को कि कौन सा आपको छू सकता है शख्स और कौन सा नहीं छू सकता और क्यों नहीं छू सकता तो आप उनको काफ़ी हद तक अवेयर कर देते हैं कि वो किसी के करीब ना जाएं। बाकी यह है कि गली के अंदर बाजार के अंदर किसी भी जगह पर बच्चों को इस तरह से अकेला छोड़ना कि वो वलनरेबल हों कोई किसी की भी उनकी उन तक एक्सेस हो जाए ये भी मुनासिब नहीं और ये बात भी जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि इसमें लड़के और लड़कियाँ बराबर के वलनरेबल हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को खतरात होते हैं और बच्चों को नहीं होते बच्चों को उससे भी ज़्यादा होते हैं वो इसलिए कि उनको और भी आसान शिकार समझा जाता है क्योंकि कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा होता बच्चों पर फिर भी वालदे तवज्जो देते हैं या कोई इदारे तवज्जो देते हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए लेकिन लड़कों को नॉर्मली नहीं प्रोटेक्ट किया जाता तो वो और भी इसका शिकार होते तो ये जो चीज़ें हैं सारी ये हमारे जो इदारे वायलेशन को देख रहे हैं उनको इसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है